दोस्तों, चुनाव नज़दीक है। वो दिन आने वाला है जब आप अपनी सरकार चुनेंगे। मैं आज बात करूंगा प्रयागराज की शहर पश्चिमी विधानसभा से 5 बार लगातार विधायक हुए अतीक अहमद और उनके परिवार के बारे में। अतीक अहमद, नो डाउट, उन्होंने इस क्षेत्र की जनता का बहुत साथ मिला, सहयोग मिला और वो कई बार विधायक रहे। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई को भी विधायक यहाँ से बनाया। यहाँ तक कि वो अपना दल जैसे एक छोटे क्षेत्रीय दल में थे, उसके सहयोग से कई और जगहों पर उन्होंने कई विधायक बनाए। सपा के कार्यकाल में भी जब वो सपा में थे, खुद विधायक बने, कुछ और लोगों को भी विधायक बनवाया था उन्होंने। लेकिन आज दौर बदल चुका है। राज्य सरकार अतीक अहमद के बीच ठन चुकी है। ये दुश्मनी कैसी है, ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार उनके खिलाफ जो भी एक्शन ले रही है, ये कहकर ले रही है कि अतीक अहमद एक भूमाफिया है और अपने ताकत के बल पर उसने लोगों की ज़मीनें कब्ज़ा की, सरकारी नजूल भूमि कब्ज़ा की और उस पे अपना साम्राज्य खड़ा किया और गलत तरीके से बहुत बड़ा धन अर्जित किया है। ठीक है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम करता है। कौन अपराधी है, कौन नहीं है, ये तय करने के लिए भारतीय संविधान में एक स्तंभ है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। उनके खिलाफ शिकायतें हुई, पुलिस में FIR हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोर्ट ट्रायल चल रहा है, वो जेल में है। वो फैसला न्यायपालिका करेगी कि वो अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, कातिल हैं कि अपहरण करता है, ये तय न्यायपालिका करेगी। इसको तय करने का काम शासन, प्रशासन, आम लोग या मीडिया नहीं कर सकती है कानून के हिसाब से। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से इस परिवार के साथ, वो कई चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रह भी गई है, न्यायिक व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रह भी गई है कि नहीं, कि सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी के नाम पर आप किसी को किस तरह प्रताड़ित कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अतीक अहमद इस वक्त जेल में है, उनके छोटे भाई खालिद अजीम अशरफ भी जेल में हैं, उनका बड़ा बेटा उमर अतीक फरार है, उसके बाद दूसरा बेटा अली अतीक फरार है और परिवार का पूरा घर टूटा हुआ है। ज़मीनें सरकार ने अपने कब्ज़े में ले रखी हैं, उनके बैंक अकाउंट्स सारे सीज कर दिए गए हैं। बचे हैं अतीक अहमद की पत्नी और उनके साथ उनके मायके वाले। उस औरत को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी वानगी देखने को मिली अभी कुछ रोज़ पहले, जब एक झूठे केस में उनके दूसरे बेटे अली अतीक को फंसा दिया गया और अली अतीक के साथ साथ कुछ और लोगों को भी फंसाया गया। वो मामला करेली का है, जहां पर ये दिखाया गया कि अली अतीक के बेटे अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और एक ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया, बुलडोज़र चलाया और उस परिवार से 5 करोड़ रुपए मांग की और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि वहां पर जो लोग पकड़े गए वो थे तो ज़रूर अली अतीक के साथ चलने वाले, लेकिन वहां ना अली अतीक थे ना कुछ और लोग थे जिनके खिलाफ आज पुलिस लगातार कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अली अतीक का। उनके परिवार के लोगों का कहना है अली अतीक नहीं मौजूद थे उस समय जब ये वारदात हुई और पुलिस कहीं ना कहीं राजनीतिक बदले की भावना से अली अतीक को फंसाना चाहती है, क्योंकि अली अतीक AIMIM के स्टार प्रचारक हैं और असदुद्दीन ओवैसी को काफ़ी ताकत मिल गई थी जब ये परिवार AIM के साथ जुड़ा था। तो अतीक अहमद की पत्नी ने मीडिया के सामने भी आकर ये बात
कही है किस प्रकार से पुलिस रात में 1:30 बजे रात में उनके घर पे गई, उनके मायके, वो अपने मायके में रह रही हैं, उनका अपना कुछ बचा नहीं है, और वहाँ पर पुलिस वालों ने बहुत अभद्रता की, यहाँ तक कि उनका कहना था कुछ पुलिस वालों ने नशा किया हुआ था, ये शाइस्ता परवीन ने कहा है। और उन्होंने मुख्यमंत्री SSP को पत्र भी लिखे हैं और निष्पक्ष जाँच की बात की है। ये किसी भी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है निष्पक्ष जांच करना। वहीं पे एक एडवोकेट हैं संजय सिंह, उनकी पत्नी, और एक और है शख्स जिसका नाम इमरान उर्फ गुड्डू है, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, और ऐसा कहा जाता है ये अली अतीक से इनके संबंध है। इन दो लोगों को भी फंसाया जा रहा है, और इन दोनों की पत्नियों ने जो बयान दिया वो भी कहीं अलग बयान नहीं है, वही बयान है जो शाइस्ता परवीन ने अली अतीक के लिए कहा था कि ये लोग वहाँ घटना पे मौजूद नहीं थे, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अनभिज्ञ थे, इनको जानबूझकर यहाँ के एक लोकल जो विधायक है, मंत्री हैं इस वक्त सरकार में, वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप हैं। पहले वो सुनिए औरतें क्या कह रही हैं। संजय सिंह की बीवी जो एडवोकेट हैं, उनकी बीवी ने बताया कि उस वक्त ये रजिस्ट्रार ऑफिस में ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे थे, वहीं इमरान गुड्डू की वाइफ हैं वो भी कह रही हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल आपके सामने मैं छोड़ रहा हूँ, क्या ये ठीक है? अपराधी अपराधी होता है, हर अपराधी को उसके अपराध के लिए जो भी सज़ा होती है न्यायपालिका तय करती है, सरकार, मीडिया, प्रशासन तय नहीं करता है, न्यायपालिका उस पर फैसला करेगी। लेकिन अपराध करने वाले के परिवार के साथ जो कुछ हो रहा है, ये आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना सिंह है। आपके पति का नाम? संजय सिंह, एडवोकेट। क्या करते हैं पति आपके? हाई कोर्ट में अभियोक्ता हैं और प्रॉपर्टी डीलर का छोटा मोटा काम करते हैं। क्या मामला है आप पे? क्या आपके पति के खिलाफ में मुकदमा पंजीकृत है? हाँ है। इसमें क्या क्या सच्चाई है, आप क्या बता सकते हैं? सच्चाई ये है कि 3:30 बजे की घटना थी और 3:30 बजे रजिस्ट्री ऑफिस में मौजूद थी। अच्छा, इनको झूठा आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। क्यों, आपका कोई उनसे विवाद है क्या? हाँ, उनसे जमीन लिया गया था, ये लोग जमीन लिए थे मेरे पति, और जमीन का पैसा भी दे चुके हैं। ये ना मेरा पैसा ही वापस कर रहे हैं और ना जमीन ही दे रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ, माननीय प्रार्थना है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, ये सरासर झूठ है, मेरे पति को इसमें फंसाया जा रहा है। प्रयागराज के बड़े पुलिस अधीक्षक से मेरी प्रार्थना है कि उसे इसकी जांच कराई जाए, मेरी पति को बेवजह फंसाया जा रहा है और हम लोग को छोटे बच्चे लेके हम लोग रह रहे हैं, हमको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे कहेगा जी से प्रार्थना है, मेरी निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाए। क्या नाम है आपका? निशी। आपके पति का नाम? मोहम्मद इमरान। क्या मामला है? आपने अधिकारियों से शिकायत कर रही है कि आपके पति को फंसाया जा रहा है, क्या मामला है पूरा? ये जमीन का कोई मामला है और इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसमें जी, और ये उस टाइम पे वहाँ पे थे भी नहीं, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में थे, इनको बेवजह ही फंसाया जा रहा है। कैसे पता आपको कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में थे? जी, ये है प्रूफ उनका। ये क्या है? ये वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जो थे जी, ये टाइमिंग जिस टाइम वहाँ पे ये थे रजिस्ट्रार ऑफिस में जी, उससे कुछ ही देर की वहाँ पे वो है। अच्छा, तो क्या 3:30 के आसपास है जहाँ घटना घटी थी ये मारपीट की? जी। अच्छा, तो उसमें आपके पति का नाम डाला गया है क्या? जी, इनका नाम भी डाला गया है। ऐसा क्यों? पता नहीं, जो भी हो ये वहाँ पे थे ही नहीं, वहाँ पे इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पति क्या करते हैं आपके? ये प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। अच्छा, तो क्या आप क्या चाहती हैं आप? मेरा जो है यही है कि बेवजह इनको फंसाया जा रहा है SSP साहब से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन है कि इनको बेवजह फंसाया जा रहा है, इसकी कार्रवाई की जाए। अगर कहीं से भी ये दोषी पाए जाते हैं तो वो उनको सजा दी जाए, वरना ये कुछ इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है ज़मीन में वहाँ के मुद्दे में, और इनको बेवजह ही फंसाया जा रहा है।